बाद है फॉलोअप। फॉलोअप समझते हैं, फॉलो फॉलोअप। फॉलोअप क्या होता है मैं बताता हूँ। फॉलो मतलब किसी चीज़ का, किसी चीज़ के पीछे जाना या उसका समीकरण करना या उसके जैसे करने की कोशिश करना, फॉलोअप। अब मान लीजिए आपने किसी को प्लान दिखा दिया, अब उसने कहा कि मैं सोच के बताऊंगा, मैं कल बताऊंगा, मैं परसों बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं करूंगा नहीं करूंगा, वो उसने आपको ऐसा बोल दिया। अब आपने, आइए सर, अब आपने उसका, आइए अब आपने उसका क्या किया है, फॉलोअप। फॉलोअप के लिए हिंदुस्तान में 686 करोड़ रुपए हर महीने खर्च होते हैं। कितने पैसे, कितने पैसे? ये 3 साल पुरानी बात है, अभी ज्यादा हो गए हैं, लॉकडाउन के बाद तो शायद 1000 करोड़ हो गए हैं। अब ये करोड़ों की भाषा अपने को समझ नहीं आती, अपन तो वही अठन्नी चौवन्नी वाले आदमी, पर्स में कभी 10,000 से ज्यादा नहीं होता। मैं आपको बताता हूं, आपके पास मोबाइल होगा तो मोबाइल में बैलेंस खत्म होने से पहले आपके पास मैसेज आ जाता है, आ जाता है ना कि आपका बैलेंस खत्म होने वाला है, आता है कि नहीं आता है? आपने अगर गलती से किसी बैंक के अंदर अकाउंट खुला लिया तो उस बैंक से, तो आपने उस बैंक से आपको कॉल आती है, सर क्रेडिट कार्ड ले लो, बहुत कॉल आती है, सर लोन ले लो, सर हमारी कंपनी फलाना फलाना वो ये प्रोडक्ट बेचती है, ये प्रोडक्ट ले लो। फोन आते हैं कि नहीं आते हैं आप बताइए, आपके पास फोन आते होंगे ना, या कि नहीं आते? फोन आते हैं। अब मान लीजिए कि एक बैंक है, उस बैंक की मैं आपको कमाई बताऊंगा इस मामले में, उस बैंक ने कई सारी लड़कियां रखी हुई हैं, और उन लड़कियों का काम क्या है कि वो, उनको एक लिस्ट दे दी जाती है कि आपने इस नंबर पे फोन करना है, और फोन करके आपने एक बात पूछनी है कि क्या सर आप क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं, क्या पूछना है? आप अगर मुझे क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो मुझे टेंशन होनी चाहिए, यार मुझे क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो मैं बैंक में जाऊं और क्रेडिट कार्ड बनवाऊं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब वो लड़की फोन करती है और कहती है कि क्या सर आप क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं, और आगे से आदमी कहता है फोन रख, और वो फोन रख देती है। अब वो दूसरे को फोन करती है और दूसरा उसको जोरदार गाली देता है, दोबारा फोन नहीं आ जाना चाहिए, फिर रख देती है, फिर वो फोन करती है, फिर वो फोन करती है, फिर वो फोन करती है, वो एक दिन में 50 फोन करती है, और 50 फोन करने के बाद उस कंपनी को 2 लाख रुपए का बिजनेस देती है। कितने रुपए का? कितने का? वो लड़की को 20,000 रुपये मिलते हैं कि तुम लोगों की गाली खाओ, और शाम को 5 बजे कंपनी के अकाउंट में 2 लाख रुपए का बिजनेस आ जाता है। अब आप क्या समझे? और इधर मैं अपने दोस्त को फोन करूं और दोस्त को दैट उल्टा सीधा काम नहीं करना, मैं तो बैग वैग पैक करके ये पकड़ो सर आपका, हमसे नहीं होगा। बात समझे कि नहीं समझे? ऐसा हकीकत है कि नहीं है? फोन आते हैं, उन लोगों का काम ही यही है कि वो आपको फोन करें, वो आपको मैसेज करें, और आपकी गाली सुने, और अपने 20,000 रुपये कमाएं और 2 लाख रुपये बैंक को दे दें। उनका काम ही यही है। जिस चीज को हम बुरी चीज समझते हैं उससे लोग 2-2 लाख रुपये कमाते हैं, और हम लोग तो अरबपति आदमी है, अरे कौन करने वाला है भाई, कोई नहीं करेगा। तो इसमें फॉलोअप में वो ताकत है। आपने किसी को कह दिया मैडम जी मंडे को फोन करना, तो मंडे को फोन आएगा। हाँ जी सर, आपने कहा था मंडे को फोन करना, बताइए डॉक्यूमेंट कब दे रहे हैं? आपने उसको बोल दिया जी 1 महीने के बाद फोन करना, तो उसकी डायरी में डेट नोट हो जाती है कि 9 नवंबर को इसको फोन करना है, इसको लोन चाहिए, इसको क्रेडिट कार्ड चाहिए, इसकी ये इंक्वायरी है। आता है कि नहीं आता है? आता है। तो वो लोग सब हमारे लिए खाली बैठे हैं? नहीं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको पता है कि औसत का नियम कैसे काम करता है और पैसे कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन हम लोग एक आदमी को फोन करते हैं, उसी से 4 घंटे बतलाते हैं, फिर उसके बाद सर में दर्द हो जाता है, फिर फोन रख के सो जाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं। हमारा काम ये है और उनका काम बिजनेस करना है।
अब आपने किसी को प्लान दिखाया तो 24 से 48 घंटे के बाद आपने उससे दोबारा मिलना है और उससे पूछना है कि सर आपको ये बिजनेस में प्लान अच्छा लगा था, प्रोडक्ट अच्छा लगा था, तो अब आप कितने रुपए का प्रोडक्ट ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, आपने उसको फॉलोअप करना है कितने घंटे में, 24 से 48 घंटे में, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। उसके बाद आपने उसको फ़ोन करना है कि सर आपको इस बिजनेस में हमने प्लान दिखाए, प्रोडक्ट दिखाए, आपको दोनों अच्छे लगे, तो अब आप आपका फार्म किस नाम से भरवाना चाहेंगे, अपने नाम से या आपकी मिसिज के नाम से या बच्चों के नाम से। देखो इस लाइन में फर्क है, समझना। मैं आपको कहूँ कि मैम मैंने आपको प्लान दिखाया था, तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आप कहेंगे मैं नहीं करूँगी, सिंपल है, या आप कहेंगे मैं सोच के बताऊंगी। अब मैंने आपसे सवाल किया है कि मैम मैंने आपको प्लान दिखाया, उसमें प्रोडक्ट भी आपको बढ़िया लगा, प्लान भी बढ़िया लगा, तो बताइए आपका फार्म किसके नाम से भरूं, आपके नाम से या हस्बैंड के नाम से। तो अब आप मुझे ये नहीं कहेगी ना फार्म मत भर, चलो ठीक है उन्हीं के नाम से भर दो। शब्दों में ताकत है, शब्दों में ताकत है, तो आपको वही बोलना है जो आप सुनना चाहते हैं। यानी कि आपने कहना है कि मैंने आपको प्लान और प्रोडक्ट दोनों दिखाए थे, आपने दोनों अच्छे लगे थे, आपका फॉर्म किसके नाम से भरना है और आपको क्या क्या कितना कितना प्रोडक्ट चाहिए, साबुन कितनी चाहिए। उससे ये ना पूछो साबुन एक दे दूं क्या, उससे पूछो साबुन छः दे दूं क्या, हेयर ऑयल पाँच दे दूं क्या। जो चीज़ें पूछनी है तो वो उसमें जितना उसको चाहिए वो लिखवाता रहेगा, लेकिन हमने फॉलोअप उसको 24 से 48 घंटे में आपको करना है।